ऑलराइट गाइस, इंडिया वर्सेस कनाडा, दोनों देशों के बीच चीजें ठीक होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक स्टेटमेंट्स आते चले जा रहे हैं, हमारे न्यूज चैनल अलग आग उगल रहे हैं। मतलब यहाँ तो न्यूक करने की बात चल रही है। तुमको न्यूक कर देंगी कनाडा? गोदी मीडिया पे बातें तो ऐसी बड़ा चढ़ा के की जाती है, ऐसे कनाडा की हेकड़ी को भारत कैसे हवा कर रहा है, फिर ऐसे कनाडा का पंगा अमेरिका का डबल गेम, फिर ऐसे कनाडा को समझा दिया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। पर हाल ही में हमारे विदेश मंत्री जी ने कुछ कहा, इट इज सर्टेनली बीन अ कंट्री वेयर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फ्रॉम इंडिया मिक्स्ड विद ट्रैफिकिंग इन पीपल मिक्स्ड विद सेसेशनिज्म वायलेंस टेररिज्म, इट्स अ वेरी टॉक्सिक कॉम्बिनेशन ऑफ इश्यूज एंड पीपल who have found operating space there. बहुत सारी बातें चल रही है दोनों देशों के बीच में और ये कहीं हल होती हुई नहीं दिख रही है। इस बीच हमारे 17 लाख भारतीय वहां रहते हैं, भारतीय स्टूडेंट्स हैं और एक कैनेडियन जो हमारे भारत में काम करता है। You know him? I know. Toronto is my home. इनके बारे में भी लोग काफी सोच रहे हैं। ये बात भी सच है कि ट्रूडो इज लूजिंग हिज पॉपुलैरिटी। एक सर्वे में बहुत सारे कैनेडियन ट्रूडो को अपना अगला प्रधानमंत्री नहीं बनते हुए देखना चाहते। चलो आज की वीडियो में ये समझते हैं कि भारत और कनाडा के रिलेशन कितने इंपॉर्टेंट हैं दोनों देशों के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द पॉपुलेशन। बात करते हैं कनाडा की पॉपुलेशन के बारे में और वहां रह रहे इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में। अराउंड 3.82 करोड़, ये है टोटल पॉपुलेशन कनाडा की और उसमें करीब 17 लाख भारतीय रहते हैं। 8 लाख सिख समुदाय के हैं जो कनाडा की टोटल पॉपुलेशन का 2.1% है। कनाडा का टोटल पॉपुलेशन 3.82 करोड़ है, मतलब करीब 24 करोड़ तो यूपी में ही रहते हैं। Anyway, let's focus on the Indian students. इस तरह नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स ही सारे बेनिफिट वहां जाकर लेते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा की इकोनॉमी में अराउंड 68,000 करोड़ इंडियन रुपीस ऐड करते हैं और ये भी कहा जाता है कि कई सारे इंस्टीट्यूट्स में ये स्टूडेंट्स 3-5% ज्यादा फीस दे के पढ़ाई करते हैं। और जो स्टूडेंट्स वहां रहते हैं वो कनाडा के रियल स्टेट में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। तो अगर भारतीय बच्चे वहां पढ़ने ना जाए तो एक बहुत बड़ा हिट लगेगा कैनेडियन इकोनॉमी को। और दूसरी तरफ हमारे यहां सिनेरियो ये है कि कनाडा जाने के लिए बच्चे उसी तरह डेस्परेट हैं जैसे ये बच्चा पानी के लिए। अंकल जी, पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। हमारे यहाँ तो ये सिचुएशन है कि कनाडा भेजने के नाम पे बड़े भारी फ्रॉड हो रहे हैं। स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कनाडा आर रिपोर्टेडली फेसिंग The prospect of deportation after a travel agent who sent them using fake documents has gone missing. Desperation ka level is ad se samjho jo ki viral hua tha thode din pehle. Canada ch thode chote bhra nu kise ne goli maar di. Kya pata lag gaya ki ida kam hai? Haan ji bhai ji, CCTV footage mili hai. Stop. Usne uska pra maar tha, par problem wo nahi hai. तुझे वीजा कैसे मिला? मैं शॉक इस गल तो हूं, तू कनाडा कितना पहुंच गया? Try to understand the matter of concern over here. तेरा वीजा किने लगवा था? Right away immigration वाला ने। और लोग ऐसे एड्स को सीरियसली लेते हैं इसलिए बनते भी हैं। तेरा वीजा किने लगवा था? Right away immigration वाला ने। Right away immigration वाले? अभी जो सिचुएशन चल रहा है, बहुत सारे लोगों के दिल टूटे होंगे। काश ट्रूडो मोदी जी की वो ए प्लस बी का स्क्वायर वाली इक्वेशन समझ जाता। सच्ची का एक्स्ट्रा 2A भी मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं। एनीवे गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेड। इट वाज इंक्रीजिंग। यस, भारत और कनाडा के बीच व्यापार बढ़ रहा था। 2010 में भारत और कनाडा के बीच व्यापार था करीब 3.21 अरब डॉलर का, जो बढ़ा 2016 में। 2016 में यह व्यापार हो गया 6.15 अरब डॉलर का। तो ट्रेड वॉज इंक्रीजिंग। एक्स्ट्रा 2A भी आता है ना, वो आ जाता पर अगर ट्रूडो का दिमाग खराब नहीं होता। वन मोर थिंग, इन्होंने एग्जैक्टली, क्योंकि 2022-23 में यह व्यापार बढ़ के करीब 8.16 अरब डॉलर हो गया था। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 30 भारतीय कंपनियों ने करीब 40,446 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हुए हैं कनाडा में और इन्हीं भारतीय कंपनियों की वजह से करीब 17,000 लोगों को कनाडा में रोजगार मिला है। मतलब इसे तो रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? एग्जैक्टली। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया कनाडा रिलेशन। बहुत कुछ दोनों देश एक दूसरे पर डिपेंड है। हम ये चाहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, बट इक्वेशन उलझती चली जा रही है, सॉल्व ही नहीं हो रही है। मतलब बिल्कुल वैसी हो गई है। मतलब सोचो जरा, ये एक्स्ट्रा 2A भी मिलता है कि नहीं मिलता है?
एक्स्ट्रा 2A भी कहां से आया? Anyway, let's hope for the best. If you like this video, please share it and subscribe the channel. A plus B into square into bracket square करे तो करना।